तो आप देख रहे हो मेरे पीछे टोल है, टोल गेट, और इस टोल को पार करके हम आगे चलेंगे हिमाचल में। सारे एग्ज़िट क्रॉस करके मैं अभी इस टोल गेट पर पहुँचा हूँ, और इस टोल को पार करके हम एंट्री लेंगे हिमाचल में। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ शिमला की, तो यहाँ से शिमला होगा करीब करीब आपका 89 किलोमीटर। तो आइडियली तो यहाँ से शिमला भी जा सकते हैं, बट मेरा कोई प्लान नहीं है शिमला जाने का। आगे के नज़ारे बहुत अच्छे आएंगे, तो आप लोग बने रहें साथ में और पूरा व्लॉग देखें टिल द एंड, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और करते हैं व्लॉग कंटिन्यू। कसौली जाने का पुराना रास्ता निकलता है, थोड़ा कंजस्टेड होता है बट रास्ता ब्यूटीफुल है। और आगे आपको पहाड़ दिख ही रहे होंगे। हम आ गए हैं ऊपर,
और अभी मैं पहुंचा हूं जावेली। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, अगर आप आना चाहते हो तो इट इज़ वेरी नियर एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस। आप यहां पे आइए, थोड़ा घूमिए, नज़ारों का मज़ा लीजिए और सेम डे वापस। इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस। मैं आपको कुछ स्निपेट्स इस प्लेस के दिखाता हूं, जो आप देख के डिसाइड करेंगे कि आप यहां पे आ सकते हैं और टाइम डिवोट कर सकते हैं विद फैमिली। तो मैं पहुंच गया हूं इधर, सवॉय ग्रीन है ये, और यहां पे अभी हम चलेंगे अंदर कि अंदर में क्या क्या आप कर सकते हो। एंड इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, और इन्होंने सैनिटाइज़र भी रखा है। कुछ चीज़ें खुली हैं, कुछ चीज़ें बंद हैं, तो अच्छा है। अभी तो पूरा ही खाली है, मे बी बिकॉज मॉर्निंग टाइम है, शायद इसलिए। लुक एट दिस प्लेस, दिस इज़ सो नाइस, सो ब्यूटीफुल ग्रीनरी। आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ। और सिटिंग स्पेस, और यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं हम, ये देखिए। तो यहाँ पे आप आके बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। आप सुन पा रहे होगे पानी की कितनी मधुर साउंड है यहाँ पे। दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। अगर आपको एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आप बैठें, कुछ खाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और वापस आ जाएं, तो मैं नहीं समझता इससे अच्छा कोई प्लेस होगा नेचर के इतने करीब। चलते हैं इधर से थोड़ा ऊपर। एंट्री प्रोहिबिटेड, नीचे तो आप जा ही नहीं सकते हैं बाय द वे। एंड सेफ्टी इज़ फर्स्ट ऑब्वियसली, आपको अपने सामान का, अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। और लुक एट दिस ट्री, ओ माई गॉड, सो बिग, वाओ। आइडिया तो यही है कि पीस ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे बैठ जाओ बस यहाँ पे आप आके। मन करता है पीछे जाने का, पत्थर पे बैठ जाने का, बट ऑफ कोर्स तो यहाँ से अभी देखते हैं। बहुत ही बढ़िया मतलब व्यू है ये। ओहो हो, क्या स्टोन है, वाओ। इधर से नीचे उतरो, ऐसे टक 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 जाके बैठ जाओ, बट प्रोहिबिटेड एरिया है, सॉरी, कर नहीं सकते। और ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब दिस इज़ सो ऑसम। आप इसकी रूट्स देखिए पेड़ की, मतलब ये रूट्स हैं, एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। दिस इज़ इनफैक्ट अ वेरी नाइस प्लेस। अगर आप यहाँ पे आते हैं विद फैमिली तो दिस इज़ रियली एन ऑसम प्लेस। आप देखो, ग्रीनरी भी है और आज का वेदर भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे भी एक बुद्धा है, बिल्कुल आप आइए पीसफुली, बैठिए यहाँ पे पीसफुली। और ये साउंड सुनो यार, मतलब मन करता है यहाँ पे बैठ जाओ। और एक और अच्छी चीज़, यहाँ पे हॉटस्पॉट भी खुला है मैगी का। अगर आप मैगी के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे आके मैगी भी खा सकते हैं। भागो भागो भागो, तो चलते हैं दोस्त यहाँ से। थोड़ा सा ज़्यादा रुकेंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी आज का प्लान ऑलरेडी बना हुआ है, तो आज ज़्यादा रुकने का कोई सीन नहीं है। आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा वापस जाने के लिए। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा यू टर्न कितनी आगे पे आता है, मेरे को आइडिया नहीं है, नहीं तो चलो मिल गया, रॉन्ग साइड जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्त। दिल्ली नंबर की गाड़ी जा रही है आगे, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि कोई एक जगह ऐसी मिले ना जहाँ पे मैं रुक के थोड़े फोटो निकाल सकूँ बाइक के।
देखिए आप टर्न, और इन टर्न का मज़ा और गाइज ये है टिम्बर ट्रेल, इनके कुछ चार्जेस होते हैं। तो आप इस ट्रॉली में बैठते हैं, यहाँ से आपको ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर पे एक व्यू पॉइंट है और वहाँ से फिर आपको वापस लेके आते हैं। एंड इट्स अ नाइस प्लेस, यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप इवनिंग में आकर के यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ से, जो उनका रूफ टॉप है, और वहाँ पे आप बैठ करके डिनर कर सकते हो। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये पूरा पाथ बनाया हुआ है ऊपर जाने का, यहाँ से ये ट्रॉली जो हैं ये ऊपर जाती हैं और नीचे आती हैं, और वो ऊपर वाला एरिया डाइनिंग के लिए है। इट इज़ ब्यूटीफुल, मतलब अगर आप रात में आते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर चौकी दाणी भी है, अगर आप आते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस प्लेस। पूरा काफ़ी आवर्स आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, और बहुत ही बढ़िया है ये आईनॉक्स। यहाँ पे सिनेमा भी है, मॉल भी है, और वो चौकी दाणी है बेसिकली दैट वन। अगर सिटी के अंदर से जाएंगे तो वहाँ पे लाइट बहुत मिलती है, ये कट आ रही भी है बेसिकली सिटी के अंदर वाला। और यहाँ से अगर मैं राइट मोड़ूंगा तो चंडीगढ़ ले जाएगा ये कट। और बाय द वे यहाँ से राइट मुड़ते ही है वो बंदे की दुकान, जैसे कि वो जो रोड साइड पर बैठता है, अंगीठी तंदूर वो सब बेचता है, वो यहाँ से राइट मुड़ते ही है। एमजी की ग्लॉस्टर, ये बेसिकली है ग्लॉस्टर, एम जी ग्लॉस्टर, और अच्छी लग रही है। और हम गलती से फंस गए हैं क्योंकि हमें जाना है सीधा, तो इट ऑल हैपन्स, होता है कभी कभी। और ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा राइट इंडिकेटर्स बहुत हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग राइट में होते हैं, बट मेरे को नहीं जाना था राइट। आई राइट डिसाइडेड कि मैं सीधा सीधा ही जाऊँगा, बिकॉज इस पर क्या है ना, रेड लाइट नहीं है, और थोड़ा खुले में आप आराम से कर सकते हैं नाम से। तो गाइस फाइनली सिटी में वापस, और अभी मेरे को हार्डली 4-5 मिनट्स लगेंगे घर पहुँचने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बातचीत करके चला जाए आराम आराम से। बेसिकली ये वही जगह है जहाँ पे हमने ड्रैग रेस का वीडियो शूट किया था। मेरा तो ट्रिप बहुत अच्छा रहा, इट वॉज़ वेरी गुड।
अभी तक टोटल मैं अगर बात करूं तो 116 किलोमीटर में चला हूं आज, और कंफर्टेबल रहा राइड बहुत। ये रास्ता भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, एकदम खाली पीसफुल, लोगों का टेंशन नहीं है यहाँ। दिस रूट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और जो बाइक आप लोगों ने देखी थी ना, रॉयल एनफील्ड ड्रैग रेस मेरे साथ 500 cc, दैट इज़ ऑन सेल। तो अगर आपको चाहिए हो तो दैट इज़ अवेलेबल, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं प्राइस वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। तो जो भी रहेगा मैं आपको बता दूँगा। 6830 किलोमीटर्स बाइक की रीडिंग आने के बाद। सो गाइज, राइड हो गई, राइड करने के बाद घर वापस आ गए हैं और व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। और आई होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और इसके बाद कुछ और राइड्स भी प्लान है। मैं गया था जाबली तक, और जाबली में एक चीज़ मैंने मिस करी, वो है मैगडी। वहाँ पे एक मैकडोनल्ड्स भी है जो कि बहुत फेमस है, और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आप कभी हिमाचल की साइड आते हो या नियर बाय में आते हो तो आप जा सकते हो वहाँ पे। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, और आई होप ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।